सबका साथ सबका विकास। देखिए आज फिर से हम आपको विकास की तस्वीरें दिखाएंगे। सरकारें ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जहाँ पंचायत लेवल पे हर चीज़ जो है वो गांव के अंदर इम्प्लीमेंट की जा रही है। इस वक्त हमारी गुलिस्तान की टीम जो है वो 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पे तहसील मजालता के सोन गांव के अंदर आई है। हमारा आने का मकसद ये है कि ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जिस तरह से ये दावे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलते। ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक हकीकत है। हमने भी आज इस गांव का दौरा किया। 3 से 4 घंटे का पैदल सफर करके हम आधे रास्ते पे पहुंचे हैं, और आधे रास्ते पे जो लोग थे जो हमें लेने के लिए आए थे, वो देखिए मासूम है चेहरे में, देखिए बच्चे बुजुर्ग इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि इनका सपना था कि इस गांव के अंदर हम रोड देखेंगे। बैक टू विलेज वन हुआ, बैक टू विलेज सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ फेज हुआ, और लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस एरिया की या इस जिला उधमपुर की मैं बात करूं, काफ़ी विधायक, पूर्व विधायक आरएस पठानिया, हर्षदेव जी भी यहां रह चुके हैं, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं आँख नहीं खुली कि जो गांव के जो लोग हैं वो आज भी कहीं ना कहीं अपनी पीड़ा के लिए रो रहे हैं। हमने ये सोशल मीडिया पे साफ तौर पर देखा था कि इस गांव से एक नौजवान थे, उनकी तरफ से आवाज़ सोशल मीडिया पे ये उठाई जा रही थी कि गांव के अंदर रोड की जैसी फैसिलिटी नहीं है। आज रंजीत भी हमारे साथ हैं, सीधा इनसे बात करूंगा। रंजीत, पहला सवाल यही रहेगा, काफ़ी सुर्खियों में आप रहे, क्या कारण रहे, क्या वादे जो पूर्व विधायक रहे, जो पहले रहे, इसे उनकी तरफ से क्या कहा जाता था जब यहाँ पे वो आते थे? पहले अपना नाम और गांव का नाम। सर, मेरा नाम रणजीत सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और तहसील मजालता और पंचायत मोटू और वार्ड नंबर 300, और मेरा इस गांव का नाम है सोन जी। और सर, आज से पहले जहाँ पे आते थे और ये जितने भी आए आज से पहले, वो सिर्फ यही बोलते थे जो आपका रोड है वो काम हो जाएगा, पर आज तक हमें ये नहीं पता लगा वो होगा कब। उस चीज़ का मेरे को ये नहीं पता लगा होगा कब, वो टाइम आएगा कब, और हम उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वो रोड आएगा। और अभी मैंने कुछ दिनों पहले जो मेरी वीडियो वायरल हुई, मैं उन सब जो जर्नलिस्ट हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो सपोर्ट की मीडिया ने, मेरे को सपोर्ट बहुत सपोर्ट किया, हमारे गांव वालों की बात आगे रखने की सपोर्ट की, और मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि आप इतने दूर आए और हमारी बात को आपने सुनी, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारी बात को आगे तक पहुंचाया जाए। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है आपको? हाँ, हमें अब उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, पर अभी यकीन है अभी, क्योंकि जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र साहब जी हैं उनसे हमारी जो है मुलाकात हुई है, मेरी मुलाकात हुई है, और मेरे जरिए से इन लोगों तक बात वो पहुंची है कि वो इस रोड का काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। पर ये तो अभी किस तरह से आप जाते हैं, और ये बताएं कि कुछ बुजुर्ग ऐसे भी होंगे जिनका सपना होगा कि हमारे गांव के अंदर रोड होगा, रोड जैसी फैसिलिटी होगी, तो क्या वो सपना आपको लगता है कि पूरा होगा? अभी मेरे को लग रहा है कि अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब आने वाले टाइम थोड़ी सी उम्मीद है मेरे को। डॉक्टर जो जितेंद्र साहब ने, उन्होंने वो वायदा भी किया था कि वो जब इसका काम लगेगा रोड का, वो उद्घाटन करने के लिए वो खुद इधर आएंगे ग्राउंड लेवल पे। अब अगर इस गांव के अंदर कोई बीमार हो जाता है तो उसको किस तरह से अभी आप लेते हैं? और घोड़ा और पालकी, हाँ, दोनों फैसिलिटी है, और कुछ नहीं है। देखिए ये एक विडंबना है, आपने आए दिन गांव के अंदर देखा होगा कि पुराने जमाने में, पहले भी हमने आपको गुलिस्तान के माध्यम से इस तरह की स्टोरियां दिखाई हैं, लेकिन अगर इस गांव के अंदर अभी भी कोई बीमार हो जाता है तो उसको पालकी के जरिए यहां से वो जो उनके CSC या PSC हो वहां तक पहुंचाते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि दावे जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे देखने को नहीं मिलते, और बड़ी बात जिस तरह से बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4 जो फेस हुए उसमें हमने आए दिन ये देखा कि जहाँ पे रोड जैसी फैसिलिटी होगी वहाँ पे जो अधिकारी या जो मंत्रियों के दौरे वहाँ पे रोड साइड जरूर होते होंगे। आपको ये पता है कि बैक टू विलेज होता क्या है? हाँ, ये पता है। उसमें क्या ये आपका जो मांग थी ये उसमें रखी गई? सर, मेरे को भरोसा नहीं है, सही बोलूँ ब्लैक टू विलेज पे मेरे को बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि फॉर्मेलिटियां करने आए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले भी आए थे वो, आज तक हमारा कुछ हुआ नहीं,
बैक टू विलेज होता कहाँ पे है? क्या आपके मोहल्ले में आज तक कोई दौरा हुआ है कोई अधिकारी का? सिर्फ एक बार ही हुआ है। हाँ, पर मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं के बराबर हुआ दौरा, क्योंकि सोच लो आपके इधर आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ फॉर्मेलिटी। मैंने आपको मेन बात बता दी, सिर्फ फॉर्मेलिटी समझ लो आप। बिल्कुल, देखिए सिर्फ सिर्फ कागजों तक सीमित। अब तस्वीरें वो भी दिखाऊंगा, ये वो पूरा पहाड़ आप देखिए, ये दो डिस्ट्रिक्टों पे जुड़ता है। इस तरफ आपको बताऊंगी कठुआ डिस्ट्रिक्ट पड़ती है और इस तरफ जो है वो उधमपुर जिला पड़ता है। और ये वो रास्ता है जिसमें ये लोग गुजरते हैं, ये रास्ता नहीं है। आप देखिए, अगर यहाँ पे फिलहाल सर्दियों का मौसम है, अगर बरसात हो तो इन लोगों को इस पहाड़ी को इन पहाड़ियों को निकल के जाना पड़ता है और अपनी जो जान है उसको जोखिम में डाल कर जाना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात, अभी ये आधा रास्ता है, आधे रास्ते पे हम आपको ग्राउंड हकीकत दिखा रहे हैं। लोग जो गांव के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हुए हैं कि इनकी पीड़ा जो है कि गांव के अंदर रोड होता तो हम आसानी से अपने गांव के अंदर पहुंच जाते। लेकिन कुछ और बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, कितनी आपकी उम्र है और क्या क्या दिक्कत आपको गांव के अंदर आती है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? आपका बाब राम। तो क्या दिक्कत आपको आती है? जेड़े थोड़े पूरे विधायक या रह चुके आखदे इत्थे आंदे जल्ले गल करी जांदे थोड़े ओ असन आखदे ने कि हां जी कोई फिक्र नहीं करियो। छे महीने दिखो कम लगी गया थोड़ा रोड का, असें कोई लभिया नहीं, साड़ा कोई मां प्यो नहीं फिर कोई साड़ी सरकार कोई नहीं, असें लभिया नहीं। एक चीज है कि कोई भी एमएलए होगा तो उन्हें आख्या महाराज वोट दियो, असें रोड आया, रोड साड़ा बच जा रही फिर असें कोई मिलिया ही नहीं। कोई जितिर जेड़े इस पूरे विधायक रहे, कोई जितिर तुसी याद है कोई कि जितिर कोई इत्थे आया हुआ थोड़े ग्रां बिच कि हुन भी तुसी आऊं सड़क बनाई देना ऐसा कोई? जितिर सब आए मगर फिर लभिया नहीं असें। ते हुन उम्मीद है तुसी? असें केह् उम्मीद है हुन, साढ़े जिंदे आउनी नहीं है उम्मीद। असें ते सपना है कि आऊं अपने ग्रां बिच गड्डी दिखगा, ये ते जी साढ़े भी अफसर सी कि साढ़े ग्रां बिच गड्डी आउग, अस खल उपर जागे गड्डी जागे, असें कोई उम्मीद नहीं है। इयां गड्डी दिखी दी? इयां गड्डियां खल दिखियां ना असें। अच्छा, अपने ग्रां नहीं दिखियां? ग्रां च कदें लभी नहीं गड्डी, असें किधर रौनी असें। बिल्कुल, देखिए जब बोर्ड का टाइम होता है तब जो नेता लोग हैं वो झुंड बना के गांव के अंदर आते हैं। ये तस्वीरें में हमें आपको पहले भी कुछ गाँव से निकल के सामने आई थी, लेकिन सिर्फ इस गांव की बात नहीं है। और बड़ी बात ये है कि इस गांव के अंदर आज रोड होता तो कहीं ना कहीं जो कल के भविष्य थे वो भी जो पढ़ाई थी वो अपनी अच्छी तरह से शिक्षा ले पाते। लेकिन कुछ और भी बुजुर्ग हैं, दुख नहीं होता कि अभी तक गांव के अंदर रोड नहीं है? रोड नहीं है, बहुत दुख है। रोड नहीं है तो क्या कहेंगे? कहेंगे हमने रोड देखा नहीं, 60 साल 65 साल उम्र हुई कोई रोड है नहीं साढ़े। उम्मीद है? नहीं, उम्मीद कोई नहीं है। तो अभी किस तरह से लोगों को लेके जाते हैं, या कोई बीमार हो जाए या बच्चे किस तरह से जाते हैं? घोड़े या पालकी में? घोड़े या पालकी में जाना पड़ता है, बीमार हो जाते हैं। तो जब बोर्ड का टाइम होता है, जब इलेक्शन होती है, तो तब क्या नेता लोग आते हैं यहाँ पे? सारे नेता जी आते हैं। क्या बोलते हैं वो? एक आपका रोड हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल देंगे, स्कूल देंगे, कोई फैसला। देखिए जब बोर्ड का टाइम होता है तब जो नेता लोग हैं वो जरूर यहाँ पे इस गांव के अंदर आते हैं। ये कहते हैं कि हम आपको सड़क बना के देंगे, स्कूल बना के देंगे, और जो भी लोगों की समस्या रहती हैं वो आपको हम उनका जो निपटारा वो जरूर करेंगे। लेकिन आए दिन तक हमें खुद हैरानी होती है कि हम भी पैदल सफर करके यहाँ पे इस गांव के अंदर फिलहाल पहुँचे हैं। आप देखिए, ये वो रास्ता है, इस रास्ते को ये लोग जो हैं खुद का रास्ता बनाया है, ये कोई रास्ता नहीं है, खुद से रास्ता बनाते हैं। देखिए कभी भी यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, किस तरह से जो लोग हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर, देखिए हर जगह पे आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, और इन पहाड़ियों से जो जो लोग हैं ये गुजरते हैं।
मानो ऐसा लगता है कि सरकार है ही नहीं। ये कहा गया कि पंचायतों को मजबूत करना है, पंच सरपंचों को भी इलेक्शन करवाएंगे, इसलिए करवाएंगे कि जो पंचायतें हैं उनको मजबूत किया जाएगा। लेकिन क्या इस तरह के गांव होते हैं जहां रोड जैसी एक्टिव फैसिलिटी नहीं है? और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये बच्चे देखिए, मासूम से बच्चे हैं, ये कल का भविष्य हैं, ये भी गठे हुए हैं। गांव के जो लोग हैं वो बोल नहीं सकते क्योंकि बच्चे हैं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि यही कहीं ना कहीं स्कूल के लिए इसी रास्ते से जाते होंगे। पहले मैं नाम पूछूंगा इनका, बेटे जब आप भी कोई शहर की तरफ जा स्कूल की तरफ जाना हो किस तरह से आप जाते हैं? बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल। तो जब आर पार कहीं गाड़ियां देखते हो सिटी में तरफ, दुख नहीं होता आपको कि हमारे गांव में भी गाड़ी हो? होता है, दिखी नहीं गाड़ी। नहीं देखी गाड़ी ना। देखनी है। देखिए अभी तक इन बच्चों द्वारा गाड़ी तक नहीं देखी। और जिस तवी नदी में हम अभी बैठे हैं आप देखिए, उज नदी है, ये इस इलाके के अंदर पड़ती है। और यहाँ पे आप देखिए, आपको दूर दूर, अगर मैं कैमरामैन को बोलूँगा, कहीं आपको दूर दूर तक कोई घर नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि हम भी ग्राउंड पे निकले हैं। क्योंकि जिस तरह से ये रंजीत ने एक कदम उठाया था, हमने सोशल मीडिया में देखा कि वो काफ़ी एक्टिव थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तब नेता लोग जो हैं इस गांव के अंदर आते हैं। आते इसलिए हैं कि जब उनको बोर्ड की ज़रूरत हो, कम से कम 10 से 15 हज़ार पे हज़ार यहाँ पे पॉपुलेशन है। और इन लोगों का एसटी भी, यहाँ के जो लोग हैं इनसे भी हम बात करेंगे। जी ना सुनाओ अपना, ते के दिक्कत आ दी ग्राम विच? ग्राम विच ये रस्ते दी बहुत बारी मुश्किल है। तो किया जंदे अगर शहर दी जाना होवे? शहर जाना होवे ये सपने पहाड़े विच टपके जाना, और कियां जाना? ते कोई आस्था वास्ता होई हो तो हो जाए, के करना भी तो पड़के खड़ना। ते अगर कोई बीमार होई हो तो पड़के चुकी करना ना, और कियां रहना? इस रस्ते कियां तुस पालके ले जंदे? मुश्किल है, बड़ी मुश्किल करने डबने आ। देखिए यही कहानी है, यही हकीकत है, यही विकास, ये विकास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि कुछ गांव से जो खुद महिलाएं थी वो रोड बना रही थी। चलो इस गांव से वो निकल के नहीं आया, लोग इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि गांव के अंदर रोड चाहिए। अगर रोड हो तो हर चीज़ की, जो शादी विवाह की मैं बात करूँ, उस गांव के अंदर कोई फंक्शन हो तो लोगों को कई कई घंटे पैदल सफ़र करके जो सामान है वो लाना पड़ता है। खुदा के वास्ते यहाँ पे कोई रात के समय बीमार हो जाए तो उसको किस तरह से ये लोग लेके जाते होंगे, ये भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और हम उन लोगों से आगे गुहार लगाएंगे और उन लोगों से ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो आज़ादी के बाद नींद में सोए हैं, उनको जागने की ज़रूरत है। जो इनको सपने दिखाते हैं उनको सपनों को पूरा भी करने का प्रयास कीजिएगा। और बड़ी बात ये भी देखने को मिलेगी, चौधरी साहब इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशी है जी। तो क्या दिक्कत आती है आपको? हमको बहुत दिक्कत आती है जनाब, हम रास्ते की बहुत दिक्कत है। और इधर कोई बीमार हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है जी, मैंने कहा बहुत परेशानी पड़ जाती है। किसी को पार्किंग में ले जाते हैं तो कैसे की डेथ रास्ते में हो जाती है, इसमें रास्ते की सड़क की बहुत मजबूरी है। तो ये बताएं कि जब आप यहाँ पे बोर्ड के लिए जो लोग आते हैं, पंच सरपंच भी बने हैं, उनके आगे आप गुहार नहीं लगाते कि जनाब उनका हम गुलाब करते हैं और वो वायदा करते हैं कि हमको वोट दियो तो हम तुम्हारा काम करेंगे और रोड पहुँचाएंगे और आसपास देंगे और सपोर्ट देंगे। वो जिस वे मुड़ के वापस हो जाते हैं वो हमारा चेता बसा लेते हैं, मुड़ के हमारे पास ना आते हैं ना हमको लगते हैं। वो बड़ी खुश हैं, मतलब 20-30 साल के बाद हमें ये अपना रास्ता सही से मिला है। अभी 5-10-12 दिन की बात है कि यहाँ मतलब एक औरत स्लिप हो गई और गिर पड़ी, उसका 6 महीने का बच्चा इस टाइम खज्जल हो रहा है, उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हैं, टूट गई हैं। मतलब आप बताओ कि जब वो पानी क्रॉस करते हुए उसकी टांगें टूट गई हैं तो उसके बच्चे का क्या होगा? हमें इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि कोई कहने की बात नहीं। अभी तो क्या ये खुद से पैसों से आपने बनाया है? ये खुद मतलब गांव वालों ने मिलके
अपने पैसे लगा के ही बनाया। के दिमाग में ये चीज आई कि सरकार से 5-7 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की के नाले में गिर गई थी, दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गई जी। और हमारे बच्चे जो पोते पाते मेरे बच्चे छोटे और मल्ले के जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनका स्कूलों में पता कर लो आप के मिलने की कितनी हाजिरी होती है जी। जिस दिन बारिश होती बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हमारे, बिल्कुल नहीं जाते, किसी के नहीं जाते मोहल्ले के किसी के। और ऐसे भी हम पत्थरों से रख के जाते थे, कहीं कोई गिर गया, किसी के जूते गिल्ले हो गए, किसी की जिराब गिल्ली हो गई, उस दिन भी स्कूल उसका कैंसिल, किसी के कपड़े गिल्ले हो गए। एक दो बार हादसा हुआ, बच्चों के बैग ही बह गए, बच्चे तो बच गए पकड़ लिए, हादसा बैग बह गया। तो इसलिए कि हमें जब ये लड़की के एक्सीडेंट हुआ था, दोनों टांगे फ्रैक्चर हो गए, तो हमने निर्णय लिया पूरे मोहल्ले वालों ने कि जो भी 100 किसी ने 500 इकट्ठा कर करके ये पुल बनाया। लगभग कितने लागत से जो पुल, ये 2 लाख से ऊपर ऊपर है पुल, जो 2 लाख से ऊपर बनाया। तो ये भी बताएं कि ये कोई शहर के बीचों बीच ही ये इलाका है, और एक तरफ ये सरकारें या प्रशासन ये बड़े बड़े वार्ड नंबर 17 है ये कहते हैं इसको जी। तो मात्र बस स्टैंड से 3-4 किलोमीटर दूर है ये जगह। तो क्या मानता है आपके लिए कोई भी हम आज ये सोच रहे हैं अपने आप को कि 75 साल बाद आजादी के हम आज आजाद हुए हैं, कि हमारा ये पुल जो बना है। अब ये गवर्नमेंट से ये हम दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो ये गली है, ये पुल हमें पैदल चलने के लिए बनाया है, किसी का मोटर गाड़ी हमें बोर्ड लगा दिया कि कोई नहीं जाएगा, पैदल चलने के लिए बच्चे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, या कोई बड़ा भी बुजुर्ग कोई रात को बीमार हो जाए हम ले तो सकते हैं हॉस्पिटल। लगभग कितने लोगों को इसका फायदा होगा? कम से कम जी 3,000-3,500 लोग हैं जो इस मोहल्ले के, इनको सब तरफ से ये जो पुल बनाया है। और पहले किस तरह की आपको दिक्कत आती थी? मेरा नाम प्रेम शर्मा, ये जगह का नाम पड़ता है पीटीजी बड़ाली, और पहले इधर पुल नहीं था, तो ये हमारी तरफ से ही पुल बनाया, इन गांव वालों की तरफ से, इन्होंने पैसे फंड वगैरह देखे तो ये काम हुआ। यहाँ के सरपंच वगैरह ने कुछ बाद में वो की थी अपील वगैरह, तो उनका कुछ हुआ नहीं, इलेक्टर वगैरह डीसी के साथ भी हुई थी बातचीत, उन लोगों ने 3-4 बार मीडिया आई तो उनका कुछ हुआ ही नहीं, आ गया पुल वगैरह बना ही नहीं उनका। तो अभी किस तरह से आप खुश हैं? अभी तो हम बहुत खुश हैं, पहले से तो खुश ही हैं। तो किस तरह की दिक्कत आपको जब आती थी, स्कूल जाना होता था या कहीं से, यहाँ से जो आपकी बुजुर्ग महिलाएं जाती थी, सामान लाना होता था, शहर की तरफ जाना होता था, तब किस तरह की दिक्कत आती थी? तब तो बहुत दिक्कत आती थी, कभी कोई पानी में गिर जाता था, कभी तपते वक्त यूनिफॉर्म गिली हो जाती थी स्कूल जाते वक्त, ना पेपर स्कूल में अटेंडेंस वगैरह में बहुत वो होती थी। तो जिस तरह से ये सरकारें या बड़े बड़े ये दावे करती हैं कि हम गाँव में हर चीज़ दे रहे हैं, तो लगता है आपको कोई गाँव तक वो पहुँच रही हैं? कुछ पहुँच ही नहीं रहा है, सिर्फ नाम की गवर्नमेंट वगैरह है, सिर्फ जब वोट लेने आना होता है तब घर पहुँच जाते हैं, वो करेंगे, तो जिस टाइम जीत गए तो उसके बाद कुछ है ही नहीं आता वो टाइम का। सुषमा देवी है, मैं सरपंच पंचायत बड़ाली से हूँ, और इस पुल के जो बनने के बाद ये 2 लाख रुपये इसकी लागत होगी इतने तक बना, और ये पुल जो है वो सारे मिलजुल कर ये कलेक्शन करके ये पुल आज निर्माण इसका आज उद्घाटन किया गया। मैम आप सरपंच हैं क्या, आपने कभी प्रशासन से नहीं मांग की? सर बड़ी बार मैंने 4 साल हो गए मेरे दफ्तर के चक्कर काटते हुए, 4 साल में मैंने 3 डीसी चेंज हुए जहाँ से, और 3 बार ही मैंने डीसीओं से यह एप्लीकेशन दे के मार्क करके PWD वाले को दी, और PWD वालों की थोड़ी कमजोरी होगी जहाँ उन्होंने हमारी लेटर देखी नहीं, जहाँ डस्टबिन में डाल गए हैं, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया है PWD वालों ने। अब 2 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई BDO ऑफिस में, उधर मैंने ये टॉपिक लगाया, मैडम ने लेटर दिखाई, मैंने मैडम बोलती कि कोई बात नहीं, एक्सिम जी आए हैं और इनको देखो और इनका लेटर ढूंढो, तो मैंने 2 महीने हो गए उन AE और JE को बोलते हुए कि मेरी लेटर ढूंढो कहाँ पे है, इसका लेटर पैड नंबर पैच नंबर दो, बोलते हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ लड़के को लगाया देखो, आज दिन तक नहीं किया उन्होंने, 2 महीने हो गए। फिर चलो परसों चौथ जो होगा कि एक लड़की के साथ हादसा हो गया इधर, जहाँ पे से जा रही थी और नीचे पाँव गिरा, उसका तो दोनों टांगे टूट गई, उसके बाद इन लोगों ने ये किया कि हम सारे मिलकर कलेक्शन करके हम एक छोटा ब्रिज बनाते हैं फुट ब्रिज। मैम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3-टायर सिस्टम को मजबूत करने की बात कही जा रही है, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है, क्या लगता है पंचों सरपंचों की बात अनसुनी की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? इससे तो यही लगता है कि अनसुनी करते हैं, तो क्योंकि मैंने 4 साल हो गए अभी इसके एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर काटते हुए, तो 4 साल में उन्होंने देखा ही नहीं कुछ कि इनके लेटर आई है, उसके बाद कोई 4-5 ब्रिज मैंने देखे बने,
मेरे इसके लेटर के तहत कि चार उसमें लेटर जो मैंने दिया था नवार्ड डिपार्टमेंट का सेंशन होके आया। मैंने चार पंचायतों पांच पंचायतों के देखे कि नवार्ड से वो उनका पुल बना हुआ है और हमारा इन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, जहाँ कोई इनिशिएटिव नहीं लिया डिपार्टमेंट वालों ने। अब मैंने उनको बोला कि जहाँ तो मैं दोबारा फिर से मैडम से मार्क करके लेटर फिर से दूँ, तो नहीं, वो बोलते नहीं है इधर, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने बोला कोई बात नहीं, देखती हूँ एक महीना के लिए। आज इन्होंने ये बात हुई इस लड़की के साथ, उसके बाद जल्दबाजी में जो इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हम फुटब्रिज बनाएंगे और बच्चों का आना जाना जो है, बुजुर्गों का आना जाना था, ये रास्ता आप नज़र डाल देना, इधर देख लेना कैमरा लगा के कि ये रास्ता था चलने के लिए। आज फुटब्रिज बना है, वो क्या इनका सहयोग है, सारे मोहल्ले वालों का, मोहल्ले वाले ज़्यादा जिसका सहयोग है, जो हमारे इधर बुजुर्ग खड़े हैं वो हैं और विजय शर्मा जो पुलिस डिपार्टमेंट में, सारी इनिशिएटिव इनका ही सारा वो है, सहयोग है। इन्होंने किसी ने 100 दिया, जो दिहाड़ीदार है 100 दिया, 200 दिया, 500 दिया, सब कलेक्शन करके जी आज पुल बना 2 लाख का। जब बोर्ड आते हैं तो जब आते हैं और ये कहा जाता है कि हम बना के देंगे, बार बार हम इस बात के लिए दोहरा रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर प्रशासन चाहे या केंद्र सरकार चाहे तो यहाँ पे, आपने ये भी देखा होगा कि अम्बल नंबर पे जो है वो उधमपुर शहर रखा था पीएम जीएसवाई के अंडर, क्योंकि हमने भी ये देखा है कि जहाँ पे रोड जैसा पहुँचने की उम्मीद नहीं थी उस गांव के अंदर भी रोड पहुँचा है। लेकिन ये गांव किसकी वजह से रहा, क्यों रहा, ये कहीं ना कहीं हम प्रशासन से भी इस बारे बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए गुलिस्तान।